हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि संविधान की प्रकृति क्या है, वो फेडरल नेचर की होती है। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरा संविधान समझने के लिए सबसे इजी पॉइंट है। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो संविधान को समझना बहुत सरल हो जाएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, ये किस तरह से आया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किया, एक प्रेजेंटेशन दी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाएगा। तो उसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने को, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रेजेंट प्रस्तावना देना था और जो उसका ऑब्जेक्ट था उसे ही उद्देशिका बोले जाने लगा। आप एग्ज़ाम में देखते हैं कि एक ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो सेकंड हम बात करते हैं, जो इसका विचार था वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा अमेरिका से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से और ये एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से एनफोर्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान की को अडॉप्ट किया गया है या अंगीकृत किया गया है या अदर ऑप्शंस में आ जाता है। तो संविधान को अडॉप्ट किया गया है, इसमें तीन वर्ड आते हैं, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो हम भारत के लोगों ने ही इसे अंगीकृत किया है और 26 नवंबर 1949 को किया था। अब हम बात करते हैं उद्देशिका क्या है, इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो इसको हमें रटना नहीं है, इसको हमें समझना है, इसका सोर्स क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम जनता ने, फॉर्म में क्या क्या आता है कि इसका क्या फॉर्म है, स्वरूप क्या है। तो यहाँ 5 वर्ड दिए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब ये 5 वर्ड क्या हैं, अब इसे रटना बिल्कुल नहीं है। सॉवरेन क्या होता है कि हम डिसीज़न लेने के लिए फ्री हैं, हमें किसी और कंट्री से जाकर परमिशन नहीं लेनी है, वी आर सॉवरेन। सेकेंड बात आती है सोशलिस्ट, समाजवादी क्या होता है। ये मेनली यूरोप से कार्ल मार्क्स का जो था, वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष हुआ था, लेकिन इंडिया में जो बात की गई है वो आपसी मेल की बात की गई है, यहाँ संघर्ष की बात नहीं की गई है। ये मेनली नेहरू जी के विचारों से प्रभावित है और उनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए है कि हमें आपसी मेल से बनाना है सोशलिस्ट। अमीर और गरीब का संघर्ष की बात यहाँ नहीं की गई है। थर्ड आता है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। इसमें बताया गया है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, जो रिलीजन होता है वो वहाँ के लोग जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट पॉजिटिव होता है सभी धर्मों के लिए, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक, ये सभी को पता ही है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर। इसको याद रखने के लिए आप अब्राहम लिंकन का वो सेंटेंस याद रख सकते हैं, जनता का, जनता से, जनता के लिए। फिफ्थ आता है रिपब्लिक, गणराज्य। ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है। डेमोक्रेटिक होता है जनता का, जनता से, जनता द्वारा। रिपब्लिक में आता है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा,
यहाँ चुना जाएगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन वंशानुगत नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। अब इस संविधान के लिए उद्देश्य क्या क्या दिए गए हैं? जस्टिस तीन टाइप का बताया गया है, न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। आप जैसा कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि जस्टिस किस तरह का दिया गया है। ऑप्शन में होगा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। तो रिलीजियस जस्टिस की बात यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि सेकुलरिटी को अडॉप्ट किया गया है, इसलिए तीन टाइप का जस्टिस दिया गया है। लिबर्टी दी गई है, खुद का विकास करें तभी देश का विकास हो पाएगा। तो लिबर्टी दी गई है यहाँ पर, आप थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, आप बिलीफ रख सकते हैं, किसी में फेथ रख सकते हैं, किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं। थर्ड आता है इक्वालिटी, यहाँ समानता की बात की गई है। फिर गरिमा, डिग्निटी, इसको हम अभी मौलिक अधिकार जब देखेंगे तो आर्टिकल 21 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कि हमारे कंट्री में इतनी चीज़ें विविध हैं, लेकिन तब भी एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी, तो यहाँ पर भाईचारे की बात की गई है। तो आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझकर क्लियर कर सकते हैं कि हमें ये रटना ना पड़े हमारे प्रियम्बल में क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी इसको कहा गया। जैसा कि आप क्वेश्चंस में देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो प्रियम्बल होगा, लेकिन अगर पूछते हैं भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 32 को बोला गया है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा या नहीं होगा। तो आपको इसमें सिर्फ दो केस याद रखने हैं, बेरुबारी का केस और केशवानंद भारती का केस। बेरुबारी का केस 1960 में आया था और इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल उद्देशिका पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन 13 साल बाद केशवानंद भारती का केस आया और उसमें बोला गया कि ये संविधान का ही भाग है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और इस केस के 3 साल बाद ही अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन बहुत आता है, 42nd अमेंडमेंट से हुआ है या 44 अमेंडमेंट से हुआ है। तो आप याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट, और केशवानंद भारती का केस 1973 में आया था और उसके 3 साल बाद ही ये अमेंडमेंट किया गया था 1976, जिससे तीन वर्ड इसमें इंसर्ट किए गए थे, सेकुलर, सोशलिज्म, इंटीग्रिटी। अब इसको परिचय पत्र कहा गया है, तो ज्यूरिस्ट N.A. पालखीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि अगर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो वो उद्देशिका है। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो वो आर्टिकल 32 होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।